हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। भारत में राजनीतिक दल के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या होते हैं, साथ ही राष्ट्र दल जो होते हैं उनकी मान्यता की शर्तें क्या हैं, राज्य स्तरीय दल जो होते हैं उनकी मान्यता की शर्तें क्या हैं। इसके अलावा चार पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी, सीपीआई और सीपीआईएम है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। जैसा कि भारत में जो है सात जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो उन्हीं को हम जो है वन बाय वन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई और सीपीआईएम वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। क्योंकि जो हमारा पॉलिटी जो है उसमें थर्ड पेपर है आरएएस मेंस का, उसमें भी राजनीतिक दल से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक पार्टी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो 1984 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है। और ये कब बनी थी, ये बनाई किसने थी, काशीराम जी ने, ओके, काशीराम जी ने बनाई थी। उसके बाद आप आज की बात करें तो आज की बात करते हैं तो इसको जो है मायावती जो है इस पार्टी को जो है वो आगे ले जा रही है, यानी अभी वर्तमान में जो है ये बहुजन समाजवादी पार्टी का कंट्रोल जो है वो मायावती के पास है। अगर बात करें कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो देख सकते हैं आप, ब्लू कलर का जो एलिफेंट है, ठीक है, वो जो साइन जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब बात करते हैं कि काशीराम ने क्या किया, पहले बामसेफ नाम का एक दबाव समूह बनाया था, फिर बामसेफ को DS4 में चेंज कर दिया, फिर DS4 को 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बना दिया। यानी बहुजन समाजवादी पार्टी इस तरह से बनी। काशीराम जी ने क्या करा, पहले बामसेफ बनाया, बामसेफ के बारे में भी थोड़ा हम आगे देखेंगे, फिर उसके भी एक दबाव समूह बनाया था केवल बामसेफ नाम का, फिर बामसेफ को DS4 में कन्वर्ट करा, इसको भी हम देखेंगे, और फिर DS4 से 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, ओके। तो आंसर जो होगा 1984 में जो है वो बनी। इसके अलावा अगर आप प्री के अकॉर्डिंग भी देखें तो सारी पार्टियां जो है वो कौन कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई है उनका जो है मिलान करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में DS4 है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ये 1981 में बनी थी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। बामसेफ जो है वो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, ओके। फिर उसके बाद में 1971 में और भी बने थे, जैसे SMCA, SCST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एसोसिएशन, 1978 में बना था बामसेफ, DS4 बना 1981 में, और 1984 में बना जो बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP पार्टी, ओके। अब हम बात करते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उसका जो मेन फोकस जो है वो कौन से जो क्लास है उसके ऊपर है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है मेनली दलितों पर, आदिवासी समूहों पर, और जो OBC जो है उन पर, इसके अलावा माइनॉरिटी जो है, ठीक है, उनके लिए जो है वो ज़्यादा काम करती है, ठीक है, उन लोगों का जो है प्रतिनिधित्व ज़्यादा करती है, उन लोगों के लिए अधिक से अधिक कार्य जो है वो सोशल वेलफेयर के काम करती है। और एक और बात कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करती है, यानी सोशल इंजीनियरिंग जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर देती है, जिसमें कि आदिवासी, दलित और OBC अल्पसंख्यक जो है इन सभी के लिए कार्य जो है वो किए जाते हैं। यानी समाज की पार्टी जो होती है, ठीक है, समाज की पार्टी, बहुजन समाज की जो पार्टी होती है वो जो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो है ये काम करती है। अब बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, यानी प्रेरणा जो है इसका, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो कहाँ से ली गई है। इसकी आइडियोलॉजी जो है जितने भी जो महान जो इतिहासकार, इतिहास में जो लोग हुए हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर हो गए, ज्योतिबाई फुले हो गए, और पेरियार रामास्वामी हो गए, ठीक है, तो इन सभी से प्रेरणा लेकर जो है, ठीक है, इन्हीं के जो सिद्धांत रहे दलितों के लिए, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, निचले तबके के लिए काम किया था, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, जो काफ़ी पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए काम करा था, तो उसी का कंसेप्ट, यानी उसी से प्रेरणा लेकर जो लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उन्हीं लोगों के लिए जो है वो काम करती है, ओके। अब ये बात करेंगे यूपी में तो ये सक्रिय है ही, ओके, यूपी में सक्रियता के अलावा ये MP में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में, इन सभी में जो है ये पार्टी काफ़ी सक्रिय है, लेकिन यूपी में सक्रियता थोड़ी ज़्यादा है इसकी, ओके। तो इस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी जो है हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये भी राष्ट्रीय दल है हमारा,
1999 में ये बनी, एनसीपी जो है 1999 में बनी। अब इसका भी बनने का जो है वो कारण ये रहा कि कांग्रेस जो पार्टी है, नेशनल पार्टी जो है, उससे क्या हो गया था, ये विवाद हो गया था, तो कांग्रेस के उपविभाजन से जो है ये बनी थी, उसी का परिणाम है, कांग्रेस के उपविभाजन का परिणाम था कि एनसीपी जो है वो अस्तित्व में आई। तो क्यों आई? सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस से अलग होकर 1999 में नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो बनी थी। तो अब ये पार्टी जो है महाराष्ट्र में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, इसके अलावा जो है मेघालय में, मणिपुर में, असम में भी क्या है ये पार्टी जो है, इसीलिए इसको जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो दिया हुआ है। क्योंकि क्यों? क्योंकि चार सीट जो है वो हमेशा जो है इनमें लेती है, मेघालय में, मणिपुर में, आसाम में, महाराष्ट्र में, तो लेती है, चार सीट है, तो इसलिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है इसको मिला हुआ है। अब 2004 में क्या हुआ था, वापस ये यूपीए जो गठबंधन है, कांग्रेस का जो मेन इसमें लीडर है, तो यूपीए गठबंधन जो है उसमें भी जो है ये 2004 में वापस से शामिल हो गया था, अलग होने के बाद भी। तो ये भी थोड़ा फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो आप देख सकते हैं, क्लॉक बनी हुई है एनसीपी की, तो आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है वो इस तरह से है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है वो इस तरह का है। ओके, एनसीपी के जो मुख्य नेता है वो तो शरद पवार है, या फिर हम बोले कि अध्यक्ष जो है वो शरद पवार है। इसके अलावा अन्य जो नेता हैं वो है तारिक अनवर, पीए संगमा, ये सब एनसीपी के जो है वो प्रमुख जो है वो नेता हो गए। अब हम बात करें कि एनसीपी जो है उसका आइडियोलॉजी यानी वो किस विचारधारा का फॉलो करती है, वो हो गई एक तो लोकतंत्र को, ठीक है, लोकतंत्र को इम्पोर्टेंस देती है। इसके अलावा गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्म के लोग जो है, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ठीक है, सभी लोगों का क्या समान रूप से विकास होना चाहिए, हर को जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक तो आइडियोलॉजी है। इसके अलावा सामाजिक न्याय को फॉलो करती है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लोगों को जो है, हर एरिया के लोगों को क्या है, न्याय उपलब्ध होना चाहिए, समानता पर बल देती है। इसके अलावा संघवाद पर भी, केंद्र राज्य संबंध जो हो गए वो संघवाद, ठीक है, उस पर भी जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो बिलीव करती है, यानी विचारधारा में उसके शामिल है। यानी जब भी कोई प्रोपेगेंडा या फिर कोई प्रचार करती है मैम जो जारी करती है, तब ये इनमें मतलब जो धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक न्याय है, समानता है, संघवाद है, लोकतंत्र है, इन सभी को ध्यान में रखकर जो है वो अपना जो मैनिफेस्टो जो है वो बनाती है। ओके, चुनावी जो घोषणा पत्र है वो भी इसी तरह से जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। ओके, इसको हम अखिल भारतीय ऑल इंडिया यानी एआई टीएमसी भी इसको बोलते हैं। ओके, इसका चुनाव चिन्ह जो है आप देख सकते हैं साइड में दिया हुआ है। ओके, तो इसका चुनाव चिन्ह जो है वो एक तृण, ठीक है, एक फूल है, और उसके अंदर तिनका भी जो है वो लिया हुआ है। फूल और तिनका जो है वो दोनों ही जो है इसमें शामिल है, पुष्प और तृण, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं 1998 में क्या हुआ था, टीएमसी की स्थापना हो गई थी, ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना कर दी, और ममता बनर्जी जो है वो आज भी इसकी जो है वो अध्यक्ष जो है वो बनी हुई है, यानी इसी को जो का पूरा कंट्रोल जो है ममता बनर्जी के पास ही है। पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम का 34 साल पुराना राज उखाड़ फेंका था सीपीआईएम ने 1998 में जब आई थी, तो उसके बाद में क्या हुआ था, काफ़ी टाइम बाद सीपीआईएम जो है जो पश्चिम बंगाल में काफ़ी सालों से 34 साल से जो है राज कर रही थी, उसका राज जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने जो है वो समाप्त किया। और आप देख सकते हैं कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं पश्चिम बंगाल में, वापस से जो है ममता बनर्जी की सरकार जो है तृणमूल कांग्रेस जो है वापस से जो है वहाँ पर सरकार में आ गई है, मुख्यमंत्री जो है तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है वही बनी हुई है। 2016 में जो है इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। ओके, ठीक है, अब आप बोलेंगे 2014 में चुनाव हुए ही नहीं, फिर कैसे बन गई नेशनल पार्टी? उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है कि पश्चिम बंगाल जो है उसके अलावा मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर भी तो उसने कुछ सीटें जीती है। इसके अलावा चार राज्यों में जो है वो राज्य स्तर की जो पार्टी जो है वो भी उसने क्राइटेरिया फॉलो करा है, और तीन या तीन से अधिक राज्यों में 2% सीटें जो है वो भी उसने क्या है ली है। तो उसी को फॉलो करते हुए जो है वो 2016 में क्या बन गई है, नेशनल पार्टी बन गई है। और 2011 से जो है वो पश्चिम बंगाल में सत्ता में ये जो चल रही है तृणमूल कांग्रेस जो है वो चली आ रही है। तो इस तरह से जो है ये तृणमूल कांग्रेस जो है वो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनी। इसके अलावा चार राज्यों में तो अपने बात ही कर ली, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी जो राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।